हेलो हेलो, हेलो, हाय हाय कैंसी, हैप्पी न्यू ईयर। हाय लक्ष्मी, हैप्पी न्यू ईयर। हर्षा, हाय हर्षा, हैप्पी न्यू ईयर। सो यू ऑल एंजॉयड योर न्यू ईयर। आप लोग सब एंजॉय किए अपना न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स सी सम मोर। कैसा एंजॉय किया आपने? अच्छा एंजॉय किया। हाय उर्वशी जी, हैप्पी न्यू ईयर। वेरी गुड हर्षा। हाय हाय पवन, थोड़ा देर रुक जाते हैं, 2-3 मिनट फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आज शिफ्ट किया क्लास, था मेरे को कल का क्लास आज शिफ्ट किया, इसके लिए सॉरी। आप लोग आज के लिए प्रिपेयर होंगे मंडला आर्ट, कल मंडला आर्ट होगा। आज हम लोग को बुक मार्क सीखेंगे। देखिए 3D बुक मार्क सीखेंगे हम लोग आज। ये और ये मैंने कलर करके नहीं रखा है, बट आई विल शो इट हियर एंड कलर करके दिखाऊंगी, ठीक है? थ्री डी बुक मार्क्स। बुक मार्क्स तो सब लोग जानते होंगे ना, बुक मार्क्स क्या होता है? हाय लाशिया, हाय हैप्पी न्यू ईयर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अवर 3D बुक मार्क। ओके, मेरे को लगता है सब लोग आए नहीं अभी तक, फिर भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ उर्वशी जी, मैं स्टार्ट कर रही। दिस इज अवर बुक मार्क, 3D बुक मार्क। ओके, सो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आप एक चार्ट पेपर लीजिए। ओके, चार्ट पेपर लीजिए या फिर ऐसा जो आपका पेपर है, ये वेडिंग कार्ड का, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ भी ले ले लीजिए जिसका पीछे में वाइट होना चाहिए, ठीक है? और अगर दोनों साइड वाइट होने से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे चार्ट पेपर ले सकते हैं, चार्ट पेपर को फोल्ड कर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 6 सेंटीमीटर्स बाय 28 सेंटीमीटर्स लिया है, तो और उसको बीच में फोल्ड कर दिया, ठीक है? दिस इज 6 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 28 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ओके, देन आई फोल्ड इट इन टू द हाफ। ओके, तो ऐसे आप ले लीजिए। और इस ऐसा बुकमार्क बनाने के लिए आपको एक थिक चार्ट पेपर
थिक वाला चाहिए। तो मैंने क्या किया, तो अगर ऐसे बहुत थिक वाला मिलता है तो आप उससे काट सकते हैं, मैंने एक ले लिया। नहीं तो आप, मैंने क्या किया है, ऐसा चार ठो लिया है मैंने, ऐसे यू कैन डू इट विथ ड्राइंग पेपर। ओके, फॉर दिस यू कैन डू इट विथ ड्राइंग पेपर, एंड फॉर दिस वन, दिस वन यू हैव टू टेक वन थिक कार्डबोर्ड। ओके, थिक कार्डबोर्ड। तो मेरे पास भी कार्डबोर्ड के लिए मैंने क्या किया, थिक वाला नहीं था करके मैंने आप लोगों को ले बताऊंगी करके, मैंने क्या किया है, ऐसा लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स काटा है। ये आपका 5.5 centimeters है और लॉन्ग लिया है, आपका मर्जी लॉन्ग जितना भी ले सकते हैं, कम 22 centimeters। ओके, तो ऐसे, हाय रिनी, तो ऐसे मैंने चार ठो काट के एक के ऊपर एक जोड़ दिया है, फेविकॉल लगा के एक के ऊपर एक जोड़ दिया। तो देखिए कितना स्ट्रांग हो गया ये। अगर इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे ऐसे ही नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, स्टिफ नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जैसे कि एक के बाद एक लिया है और इसको चिपका दिया, तो ये बहुत स्ट्रांग बन गया है। तो फोर्क मैंने लिया, फोर्क तो ऐसे वेडिंग कार्ड्स का टुकड़े लिए, पीसेस लिए और ऐसे जोड़ दिया एक के ऊपर एक। देन आई हैव डन दिस बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग विथ मोल्डेड, वी शुड हैव ए बेस, स्ट्रांग बेस। ओके, राइट। तो मैं आपको पहले ये वाला सिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर सुंदर है, ऐसा बुकमार्क्स होगा तो सब लोग बुक्स ही पढ़ेंगे। व्हाट इज द मेजरमेंट पेपर? ओके, दिस इज 6 centimeters by 28 centimeters मैंने लिया। देन आई हैव फोल्डेड इन टू हाफ। ओके, तो ऐसे फोल्ड होना चाहिए, राइट। दिस इज 6 centimeters विड्थ एंड लॉन्ग इज 28 centimeters। देन आई फोल्डेड इट। ओके, ठीक है, मैं अभी ना वर्क एरिया पे ले लेती हूँ, देन आई विल शो इट। दिख रहा है ना आप लोगों को? मेरे को थोड़ा सा कमेंट्स दे दीजिए, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना, राइट? ओके, देखिए ये मैं ऐसे ले लिया, देन ये फोल्ड कर लिया 6 centimeters by 28 centimeters एंड फोल्डेड इन टू द हाफ, राइट। ऐसे फोल्ड कर लिया। हाय माधवी, सिक्स सेंटीमीटर्स ब्रेथ उर्वशी जी, एंड 28 centimeters long एंड फोल्डेड इन टू हाफ। यस, उसके बाद जो देखिए इसके बाद क्या करना है, ये ऊपर का 2 inches के पास मार्क कर लीजिए, ऐसे 2 centimeters मार्क कर लीजिए, राइट। 2 centimeters के पास मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पर लाइन नहीं खींच रही हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए 2 centimeters लिया मैंने, राइट। देन एक फ्लावर यहाँ पर हम लोग एक लेंगे, बटरफ्लाई के लिए पहले आप ये जो लाइन है, मैं पेंसिल्स, मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ लाइन लाइटली, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटरफ्लाई बनाएंगे,
नीचे लाइन के नीचे एक उसका बॉडी बनाइए, लाइन के नीचे आप बॉडी बनाएंगे, विंग्स लाइन के ऊपर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाय अपर्णा, प्लीज आप अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर्स लिया यहाँ पर और मार्क कर लिया, और इस तरफ भी मार्क कर लिया, और एक लाइन बहुत लाइटली दोनों मार्क्स को मिला दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक छोटा सा बॉडी बनाऊँगी। मैं ब्लैक वाले से ही बनाती हूँ, वैसे भी मेरे को ब्लैक आउटलाइन देना है। देखिए मैंने एक राउंड लिया, राइट, दिस इज द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई। ये नीचे में ही होना है, लाइन के नीचे, और ऊपर में आएंगे हम लोग के विंग्स। देखिए यहाँ पर मैं विंग्स बनाती हूँ, लाइट इज टू मच, ओके वेट ए मिनट। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? Now you can see. I have taken 2 centimeters का मैंने एक mark कर लिया, इधर और इधर mark कर लिया, and I have drawn a light line with pencil, and body line के नीचे आएगा and wings हम लोग के ऊपर आएंगे, right? Okay, then थैंक यू श्रावणी। राइट, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो ये लाइन के पास है ये लाइन को काटेंगे। आप छोटा सा सीजर लीजिए, इतना बड़े से मत काम कीजिए, मैं छोटा सीजर ले। ये देखिए, और आप ये विंग्स का शेप काट लीजिए। मैं एक सिंगल करके दूसरा वाला करूंगी, तभी आपको मैंने परफेक्ट आएगा। आप भी वैसे कीजिए, फर्स्ट जिसके ऊपर हम लोग ड्रॉ किए हैं वही वाला आप काटिए। ऐसे आप कुछ भी फ्लावर भी ऊपर में बना सकते हैं। और इस तरफ लाइन भी काट दीजिए स्ट्रेट। ऐसे काट लिया, राइट? तो अभी हम लोग के पीछे का साइड का भी काटेंगे, उसी को मार्क करके। हम लोग कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही उसका मार्क लेके काटेंगे।
देखिए अभी दोनों तरफ बन गया है, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, ऐसे बन गया है। सो अभी हम क्या करेंगे, इस तरफ जैसे बनाया है उसी तरफ इस तरफ भी विंग्स बनाएंगे हम लोग पीछे के तरफ। सो ड्रॉ कर लीजिए ब्लैक से, जो आउटलाइन हम लोग का इस तरफ जैसे आउटलाइन पूरा हम लोग काटे थे ना, तो वैसे ही इस तरफ भी ब्लैक वाले से आउटलाइन बना लीजिए। ये पता है मैं अपना स्केच पेन से भी बना सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है, ऐसा नहीं, मैंने इसलिए बोला एक्रेलिक कलर से बहुत सुंदर दिखता है करके। देखिए मैंने पीछे भी बना लिया ऐसे, राइट। उसके बाद इस तरफ आप सीधे के तरफ आ जाइए और यहाँ पर एक फ्लावर बनाइए, इसका पेटल के ऊपर हम लोग जैसे कि देखिए यहाँ मैंने एक सर्कल ले लिया ऐसे ओवल शेप फ्लावर के बीच का, और मैं यहाँ पर एक पेटल बनाती हूँ। ओके सी लक्ष्मी, वी हैव टेकन ए विड्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर्स एंड ए विड्थ लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर्स एंड वी कट दैट स्ट्रिप एंड वी फोल्डेड इट इनटू द हाफ, ओके, and both the sides we should in the open side what we have done, I have taken a measurement of 2 centimeters and marked it and I have drawn both side and drawn a light pencil line, okay, then what I have done in the bottom of that pencil line I have drawn the body of the butterfly, then upper the 2 centimeters length jo we have taken na there we have I have drawn the this wings of the butterfly and I have cut it, okay, right. In the other side also you have to draw, after the cutting of this you have to draw the outline with the marker I am drawing, okay. You also draw with the marker, so it will be a permanent marker, na? It will be seen after painting also. Okay, see. Then what you have to do at the bot in the front side, you have to, hi Nali ma'am. At the front side, we have to draw a oval shape, then a petal. On that petal, we have to see that the petal, upper petal. The butterfly is on that, like that we have to see what I have done in the front side. I have drawn the wings, then I have cut that wings, okay, then Lasha, I have drawn the wings on the upper portion and I have cut it, and after that I kept it like this and I have cut the other side also, right. So इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पेटल ड्रॉ कर लिया जिसके ऊपर जैसे कि हम लोगों का बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठा हुआ है, राइट, देन सारे पेटल्स जो 5 पेटल्स या 6 पेटल्स आपका मर्जी, वॉट एवर योर विश यू हैव टू ड्रॉ like this, right, then the stem, iske baad aapka marzi, it's your wish, whatever type of leaves you want you can draw. Like this. See?
देन ओपन दिस एंड द इनर पोर्शन ऑफ द बटरफ्लाई ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ द विंग्स. Inside, okay? See, like this, the inner one. This is the outer one, this is the inner one. You have to draw outline of this with the black marker. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? If you have any doubts, please ask. The both side you have to draw like this. Then fold it. See, in this side we have drawn the bird. See, the breadth is 2 centimeters. This one small part, and this long part is 28 centimeters. Okay. See. So this side also we have to draw the butterfly body and the flower, right? So like this I am drawing. Right, then flower this side also. The same way you have to draw. Okay, after like this you have drawn just in the petals. You make two in the the butterfly. You do some design like I have doing like this, just two drops like this and a circle. Right? Right, everyone? Okay. So, with now, we will paint it. I am taking sky blue for the background. Just take the outline just like this. Both sides you have to paint.
टेक लिटिल बिट ऑफ वाटर. यू कैन ऑल्सो डू इट विथ पोस्टर कलर्स, इट्स योर चॉइस. ओके, देर इज नो कंपल्सेशन. एंड इवन यू कैन डू इट विथ स्केच पेन्स और एनीथिंग यू कैन यूज. Just take little bit of water and spread it. So entire background should be blue. Everybody can see na? See, I have done blue background. After this side, I will go for the back side, okay? Because in wet, I can't do. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. नाउ आई विल टेक येलो फॉर द फ्लावर्स. एंड जस्ट आई एम डूइंग लिटिल बिट ऑफ दिस येलो इनटू द पेटल आल्सो for shading. After every color you use, please wash your brush. After that, I will take orange. It's your choice which color you want to do. You want to do pink, you want to do red, it's your choice. Just like this, you fill the. No, don't take any water into the brush, okay? When you are using acrylic colors, don't use the water. Dry strokes you have to give. ऐसे अपने पूरे फ्लावर्स को पेटल्स भी कर दिया. ओ थैंक यू उर्वशी मैम. बैक साइड ऑल्सो वी हैव टू डू. ओके, जस्ट कीप इट असाइड. इट वेन इट विल ड्राई आई विल डू इट. सी आई हैव टेकन द पर्पल वन, पर्पल फॉर दिस बटरफ्लाई विंग्स एंड द middle portion I will do with little light color. Yellow we will do, lemon yellow.
इट्स योर चॉइस विच कलर यू वांट टू टेक फॉर बटरफ्लाई एंड कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं इसके लिए फ्लावर के लिए. हाँ इट्स योर चॉइस. एंड फॉर दिस बॉडी पार्ट आई एम टेकिंग ब्राउन. आप बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं बटरफ्लाई बनाइए, नहीं तो आप इससे भी बना सकते हैं, फ्लावर्स भी बना सकते हैं, हनी भी बना सकते हैं, आपका मर्जी. Now I am taking this lemonello. This is the one side. Now we will do the next side also with like this only. Just for leaves and the stem, I am just taking little bit of lemonello in the one side. देखिए ऐसे मैंने एक ले लिया lemonello, just a little portion of leaves. Then I will do with green shading के लिए. अगर आपका कलर नहीं चल रहा है तभी आप वाटर थोड़ा सा एक ड्रॉप मिक्स कीजिएगा. ठीक है अभी मैंने ब्लैक कलर का ये लिया सीडी मार्कर और बीच में ऐसे से डॉट डाल दे रही हूँ. और इसका आंख भी बना देते हैं ऐसे. सी नाउ the other side we have to do. Same way blue लिया और दोनों तरफ हमको एक ही जैसा दिखना है इसलिए. ठीक है आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखेगा. ये बुक मार्क्स जो हैं जो पढ़ाई करते हैं ना बहुत सारे बुक्स, आजकल थोड़ा सा पढ़ाई करना बहुत कम हो गया है लेकिन जो बड़े माने जिनको पढ़ाई का शौक है जैसे कि नॉवेल्स वॉवल्स पढ़ते हैं. मेरे को लगता है बच्चों को भी आजकल तो बहुत नॉवेल्स पढ़ रहे हैं तो बच्चों को भी शौक होगा पढ़ाई का. तो जब हम लोग कहीं पर छोड़ देते हैं ना देन वी विल सर्च फॉर दिस पेज. तो वो पेज हम लोगों को मार्क करने के लिए हम लोग ये बुक मार्क्स यूज करते हैं. राइट right?
है कि नहीं, आप लोग सब यूज करते हो? और जब ना बुकमार्क्स सुंदर हो जाते हैं ना, सुंदर बनते हैं, तो हम लोग को बार बार वो बुक के तरफ खिंचाव ज्यादा होता है। आप देखिए करके, एंड यू कैन ऑल्सो, जो बहुत बुक्स के शौकीन होते हैं उनको ये गिफ्ट देके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, वो लोग बहुत खुश होंगे। सेम वैसे ही पैटर्न में करेंगे हम लोग किसको भी। और ये बुकमार्क जो है ना, हम लोग को बहुत सालों पहले 16th century से स्टार्ट हुए थे। मैं पूरा तो आपको ओ ये फैल गया, सुखाने था, अभी नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन जब मैं स्टडी करूँगी कभी इसके बारे में तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि बुकमार्क्स का भी वो कहाँ ओरिजिन हुआ। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, आप मैंने पूरा स्टडी नहीं कर पाई इसके बारे में, लेकिन ऑलमोस्ट 6th century से इसका स्टार्ट हुआ था मैंने जहाँ तक स्टडी किया। मे बी तभी नए बुक्स, मेरा थोड़ा यहाँ फैल गया है, ओके बट इट्स ओके। आप जब भी यूज करें थोड़ा सा देख लीजिए कि सूख रहा है, सूख गया है कि नहीं, फिर उसके बाद दूसरा कलर डालिए। मेरे को जल्दी जल्दी में करना पड़ता है आपके लिए, इसलिए मैं आपको पूरा दिखाना होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। जनरली एक्लेरिक कलर्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
एक साइड डाल देंगे ऐसे शेडिंग के लिए। आप लोगों को कोई डाउट होगा कहीं पर तो पूछ लीजिए। हाय नित्या, रियली फैसिनेटिंग लगा मेरे को ये बुक मार्क्स जो है 3D बुक मार्क्स, रियली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ ये सिखाने चाहिए, मैंने सब लोगों को आने से बहुत अच्छा है, बच्चे सब बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं ये लेके आई। देखिए अभी मैं इसका बीच में डॉट्स डाल देती हूँ। मैंने इसका आंख भी डाल दिया। See, ये और ये राइट अभी ना ये जो है इसका पोर्शन, आप एक स्केल रखिए पूरा, अभी तक सूखा नहीं है मेरा, आप सूखने के बाद कीजिएगा प्लीज। जस्ट ये फोल्ड कर लीजिए, एक विंग, फिर अभी दूसरा साइड भी ऐसे घुमा के ऐसे स्केल रख के ये दोनों विंग्स ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तब ऐसे आएंगे। अरे ये तो वाइट रह गया, तो हम लोग को इस तरफ भी करना पड़ेगा राइट। तो देखिए ये जैसा विंग्स इस तरफ है तो वैसे ही हम लोग को इस तरफ भी करना है। तो पूरा खोल लीजिए और जैसे हम लोगों ने इस तरफ किया है डिजाइन, इसका अंदर में दो ड्रॉप्स डाला ऐसे और एक डॉट डाला है, तो उस वैसे ही हम लोग करेंगे इस तरफ भी। ऐसे करके इसको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा एक बताई हूँ आपका अंदर का डिजाइन, आपका आपका मर्जी, आपको जैसे पसंद है वैसे बना सकते हैं। अब हम लोग इसको भी पेंट कर लेंगे वायलेट, उसका जो विंग्स है वो मैंने वायलेट लिया था उस तरफ भी, तो इस तरफ भी हम लोग वही लेंगे। ऐसे किसी को अगर डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए प्लीज। बुकमार्क्स कई तरह के होते हैं और इस तरफ भी आप कर लीजिए, जैसे कि खाली एक स्ट्रिप लिया उसके ऊपर कुछ भी, आजकल तो
जैसे कि मैंने गोंद आर्ट सिखाया उससे भी कर सकते हैं, डूडलिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप बना के वो भी आपका एक बन जाता है बुकमार्क। वैसे भी हम लोग बना सकते थे लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना कि ये 3D वाला। बहुत फैसिनेटिंग लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि 3D वाला ही सब लोगों को पसंद आएगा, इसलिए मैं 3D वाला सिखा रही हूँ। बट आपका मर्जी है, लेकिन अभी के लिए लेकिन 3D ही मेरे को सबमिशन चाहिए। ओके, आप बाद में कुछ भी बनाइए लेकिन 3D प्लीज सबमिट कीजिएगा वर्क्स। मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज 3D सबमिट कीजिएगा। आप बाद में बहुत कुछ बना के वो भी दिखा सकते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सब भी आप हम लोगों को दिखा सकते हैं आपके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं। लेकिन अगर 3D सबमिट करेंगे ही तो इसका 3D, क्योंकि 3D बुक मार्क है, तो आप प्लीज 3D सबमिट कीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, आप बुक पे लगाएंगे बहुत सुंदर लगेगा। यू कैन गिफ्ट इट, या आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, आपका मर्जी है। फेविकॉल लेके ये ला चिपका लीजिए, इट्स योर चॉइस। चिपका लेंगे तो और खुलेगा नहीं, राइट। देखिए हम लोग का 3D बटरफ्लाई वाला बुकमार्क रेडी हो गया। तो अगर आप चाहें तो इसको फ्लावर वाला भी बना सकते हैं। देखिए हम लोग, मैंने बनाया है ऐसा एक बटरफ्लाई, ऐसा बटरफ्लाई फ्लावर के साथ, एंड एंड यू नो दिस वन आई हैव मेड विथ ओनली स्केच पेन्स। खाली स्केच पेन्स को यूज करके मैंने बनाया है सारा एवरीथिंग, कलरिंग से लेके सारा स्केच पेन्स ही है। तो आप लोग स्केच पेन्स भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और ये देखिए फ्लावर वाला, ये ऐसे फ्लावर निकलता है ना, फ्लावर बनाते हैं अगर, उसके बाद हम लोगों को दोनों को ऐसे अगर कर देंगे, मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये फ्लावर, तो ये हम लोगों का, और ये मैंने एक्लेरिक पेन से, एक्लेरिक कलर से ही बनाया है। मैंने बताया ना, आपका फ्लावर आपका मर्जी है, आप कैसे भी बना सकते हैं। थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू श्रावणी। और ये फ्लावर, ये दोनों मैंने स्केच पेन से यूज करके ही बनाया, ओनली स्केच पेन्स। और ये एक्लेरिक कलर, ये दोनों हो गया अभी एक्लेरिक कलर्स, राइट। ओके नाउ वी विल गो टू दिस वन, ये आपको सीखना है ना। तो ये मैंने एक डॉगी बनाया है इसके ऊपर, इसका कलरिंग मैं बताऊंगी। मैं पहले ये डॉगी कैसे बनाना, या फिर कुछ और बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों को अगर आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम बनाते हैं हम लोग इस बार आज, ठीक है। तो मोल्डेड चाहिए इसके लिए, तो मोल्डेड पे वर्क करेंगे। मैं पहले बंद कर लेती हूँ। आइसक्रीम बनाइए, बर्गर बनाइए, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। तो वो बुकमार्क के ऊपर मैं उसका कलरिंग इसके ऊपर दिखाऊंगी, और आइसक्रीम का मैं खाली बना के दिखाऊंगी।
टाइम होगा तो उसका भी कलरिंग, क्योंकि वो हार्ड नहीं होगा अगर तो कलरिंग करना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए। इसके लिए हम लोग को बहुत कम मोल्डेड चाहिए, जस्ट ए स्मॉल बॉल ऑफ ये हार्डनर एंड स्मॉल बॉल ऑफ रेजनर ले लीजिए। ये तो आप काम करना जानते हैं, यू नो हाउ टू डू विथ वर्क विथ दिस मोल्डेड ना। देखिए दोनों इक्वल पार्ट में लेना है। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा टेलकम पाउडर लीजिए, और ये दोनों को मिलाइए। आप लोगों को पता है हम लोगों को कैसे मिलाना है, क्या करना है। अच्छे से मिलाइए एक कलर आने तक। हम लोग आइसक्रीम का एक कोन बनाएंगे, आपका मर्जी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, राइट। और एक मैंने चूहा भी बनाया, आपको दिखाती हूँ मैं, बट मैंने उसको स्टिक नहीं किया था। देखिए चूहा रैट, इसको भी आप लगा सकते हैं उसके ऊपर, मैंने नहीं लगाया है, लेकिन ऐसे हम लोग कुछ भी बना के हम लोग का बुकमार्क के ऊपर लगा सकते हैं। गमला लगाइए, फ्लावर्स बनाए के लगाइए, वो एक अच्छा लुक आ जाता है हम लोग के इसके ऊपर। बुकमार्क है तो बहुत खूबसूरत बन जाएगा वो। देखिए मैंने ऐसे दोनों मिला लिया, एक कलर में आ गया, ठीक है। अभी मैं वो बुकमार्क ले लेती हूँ। मैंने एक हार्ड कार्डबोर्ड काटा है, ये एक कलर का नहीं है, अगर कलर नहीं है तो हम लोग बाद में इस पे ऊपर जो कलर करेंगे उससे बन जाएगा अच्छे से, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग एक कोट डाल देंगे बाद में, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी ये कैसे इसके ऊपर करना है, इसलिए मैंने अभी कलर नहीं किया। अगर आप जब कर रहे हैं ऐसे हार्ड बोर्ड लेंगे, अगर जैसे कि मैंने इसको बोला था कि ऐसे स्ट्रिप्स सारे काट के 4 स्ट्रिप्स मैंने चिपकाए हैं फेविकॉल लेके, तो ये अच्छे से हार्ड बन गया है, बहुत हार्ड बन गया है। तो इतना ही हार्ड येला है तो मैं और इसको काट लिया है मैंने। देखिए अभी मैं अच्छा, हम लोग ना पांडा बनाते हैं, मेरे को पांडा बना था, आप बोलिए पांडा बनाएं कि आइसक्रीम बनाएं, कोई कुछ बोलिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हम लोग के पास, आइसक्रीम और पांडा। चलिए आइसक्रीम ही बनाते हैं। देखिए ऐसे मैंने 2 छोटे छोटे बॉल बना दिए हैं। मैं पांडा आपके साथ, पांडा ओके राइट। तो ऐसे मैंने 2 बॉल ले लिए छोटे छोटे, और इसको मैंने आप ना ये लगाइए, पाउडर बहुत अच्छे से लगाइए हाथ में, और उसके बाद मैं एक बना रही हूँ। हम लोग को पांडे के लिए ना थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं ज़्यादा मिलाऊंगी फिर से। 2 बड़े बड़े ऐसे बॉल ले लीजिए, और देखिए ऐसे अभी आपको दिख रहा है ना, इट इज ओके नाउ सी। तो मैंने ऐसे 2 राउंड्स लिए, और दोनों एक जैसा प्रेस कर लीजिए, राउंड दोनों एक जैसा होना चाहिए।
उसके बाद ये पेंसिल, पेंसिल का पीछे से या सामने से कहीं से भी पीछे से ले लीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कीजिए, ऐसे ओवल शेप में आना चाहिए। लाइक दिस, राइट। इस तरफ का भी वैसे ही, और ये पीछे के दोनों मिला लीजिए और ऐसे रखिएगा, दोनों पैर है ये पांडे के, राइट। मैं थोड़ा सा और मिला के इसका फेस बनाती हूँ। अब जैसे कि ये कार्डबोर्ड है, देन आई जस्ट स्टिक इट इन द टॉप। आप फेविकॉल थोड़ा सा लगा के चिपकाइए, मैं ऐसे ही चिपका रही हूँ, बट आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा फेविकॉल लेके उसको चिपकाएंगे तो ठीक रहेगा, राइट। देखिए अभी ऐप से चिपका दिया, अभी ये बॉडी हो गया है पांडा का। ठीक है, अभी इसके बाद हमको स्कर्ट सर बनाना है, हेड दोनों फिर से एक एक थोड़ा सा मिला लीजिए। पार्टनर और ये अच्छे से मिलाइए, थोड़ा सा पार्ट लीजिए और ऐसे पांडा का फेस के लिए जस्ट ऐसे प्रेस कर लीजिए राउंड। राइट, अभी इसका राउंड होगा नाक, छोटा सा बॉल लीजिए और इसको यहाँ पर लगाइए और छोटा छोटा दो और बॉल लीजिए और उसको कान के लिए हम लोग करेंगे। ऐसे प्रेस कर लीजिए, और दो आंख बनाएंगे अभी, आप लोग दिख रहा है ना, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, दिख नहीं रहा है क्या, और एल्स आई विल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल। देखिए
मैंने एक सर्कल लिया, बड़ा सर्कल, और उसको एक प्रेस कर लिया। उसके बाद एक छोटा सर्कल लिया नाक के लिए, दो छोटे छोटे सर्कल लिए आँख के लिए, और ऊपर में दो छोटे सर्कल लेके उसको प्रेस कर लिया, तो राउंड राउंड आ गया, राउंड आ गया, तो उसके कान बन गए, राइट। नाउ आफ्टर दैट, ये जो हमने बॉडी लगाया है वहीं पर लगेगा ये, देखिए। और ना जब लगा रहे हैं थोड़ा सा इधर ऐसे कर लीजिए, खुदर दीजिए, तब जाके ये अच्छे से लगेगा। प्रेस कर लीजिए यहाँ पर, ये जब सूख जाएगा तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, राइट। तो ये होने के बाद इसका पूंछ लगाएंगे हम लोग। ओके, सो हम लोगों का ये पांडा बन गया है, राइट। तो अभी हम लोग इसका कलरिंग देखते हैं। जब ये थोड़ा सा रफ लगेगा कहीं पर, तो आप पाउडर से थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, तो वो स्मूथ आएगा, उसका स्ट्रक्चर स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये बगल में रखते हैं, थोड़ा सा सूखेगा, तब तक मैं इसका बता देती हूँ, ये डॉगी जो है इसका कलरिंग बताती हूँ मैं। सो डॉग हम लोग बनाएंगे व्हाइट एंड ब्लैक से। पहले हम लोग किसका पूरा व्हाइट कर लेंगे, पूरा डॉग व्हाइट कर लीजिए। मैंने ये पहले से बना के रखा था, क्योंकि वो सूखेगा नहीं तो आपको मैं कलरिंग नहीं बता पाऊंगी, इसलिए। I don't know why people have went off. क्यों चले गए? I don't know why they went off. Is there any problem? और ये इतना पसंद नहीं है आप लोगों को। जब तक ये white सूखता है, हम लोग ना नीचे में जैसे कि ये वॉल के ऊपर खड़ा है, हम लोग कैसे बनाएंगे? आप पेंसिल से मार्क करके भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं। जैसे कि एक वॉल के ऊपर बैठा हुआ है, हम लोग कैसे बनाएंगे? ये मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मैं छोटा सा छोटा कर देती हूँ।
इतना बड़ा जरूरत नहीं है बुकमार्क। तो जैसे कि यहाँ पर मैं वॉल के ऊपर के लिए मैं एक डिजाइन बना लेती हूँ। एक लाइन करिए और बीच बीच में एक लाइन से ऐसे स्ट्रेट लाइन स्लीपिंग लाइन करते जाइए। एक स्लीपिंग लाइन पूरा लेंथ वाइज डालिए और ये बीच बीच में स्टैंडिंग लाइन डाल दीजिए, वही वॉल का डिजाइन आ जाएगा। राइट। तो अभी मैं इसको थोड़ा ब्राउन से शेडिंग दे देती हूँ ताकि वो वॉल का पहले मैं थोड़ा सा डाली ऐसे ऐसे वो अपने आप ऐसे हाफ हाफ। और इसको थोड़ा सा वाटर से ऐसे कर लीजिए। तो बिग का वो इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा वाटर लेके जस्ट वो इफेक्ट ले लीजिए। राइट। तो अभी मैं इसका ब्लैक लेके, ये अभी सूखा नहीं है इसलिए मैं चाहती थी कि वो देखिए यहाँ पर बीच बीच में डॉट डाल दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा वाला चाहिए।
जो भी चाहिए आप बना सकते हैं। अब बुक के ऊपर मैं लगा के दिखाती हूँ वो कैसे लगेगा। जैसे कि बुक के ऊपर वो बैठा हुआ है, देखिए ओके। तो आज का हम लोग कहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं सूखने के बाद ये भी बना के डालूंगी पूरा। ये सूखा नहीं है तो पेंट करके कोई मतलब नहीं है। अभी पेंट करने से वो ठीक से नहीं होगा। जब ये हो जाएगा पूरा सूखने के बाद मैं आपको ये पेंट करके डालूंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। ये हम लोग के बुक मार्क्स हैं। होप आई दैट यू ऑल अंडरस्टूड एंड यू ऑल मेक दिस एंड सेंड इट। टुमारो इज द सबमिशन डेट चिल्ड्रेन और एवरीबॉडी प्लीज सेंड योर एंट्रीज। वही जो सबमिशंस हैं इतने दिनों के सब सबमिट कीजिए। 6 सबमिशंस मेरे को होने चाहिए मंडे तक, ताकि मैं मंडे अनाउंस करूंगी स्टार ऑफ द वीक। ओके राइट। थैंक यू एवरीवन।